हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टॉप 50 पजल सीरीज के वीडियो नंबर 3 में। आज के इस वीडियो में भी हम लोग 2 पजल सॉल्व करेंगे, पजल नंबर 5th एंड पजल नंबर 6। आपका पजल नंबर 5th होगा डे एंड मंथ बेस्ड पजल, पजल नंबर 6 होगा सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट। तो आइए टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा पहला पजल आप लोगों के लिए। दोस्तों पहले आप खुद से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व कर लिए होंगे। तो आइए मिलकर सॉल्यूशन देख लेते हैं। 6 persons JKLMNP अटेंड अ सेमिनार ऑन 2 different dates ऑफ 14 and 23 ऑफ 3 different months अप्रैल जुलाई और दिसंबर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है दोस्तों, पहले हम लोग कंडीशन नोट कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। पी अटेंड अ सेमिनार ऑन इवेंट डेट, मतलब पी है आपका 14 पे, ठीक है। और 3 persons अटेंड द सेमिनार बिटवीन पी एंड के, मतलब पी और के बीच में 3 persons है। और लिखा है एल अटेंड जस्ट आफ्टर जे, ठीक है, जे के जस्ट आफ्टर में एल है जस्ट आफ्टर में, ठीक है, बट नॉट इन द सेम मंथ। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ऐसे करके कि डिफरेंट मंथ, बट यहाँ पे मैं सिर्फ लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे मतलब ये हो जाता है कि दोनों अलग अलग मंथ में हैं। एन अटेंड सेमिनार आफ्टर के बट नॉट लास्ट, एन के बाद के बाद एन सेमिनार अटेंड करता है बट लास्ट नहीं है ये, ठीक है। 3 month था अप्रैल जुलाई और दिसंबर, अप्रैल जुलाई और दिसंबर, अप्रैल जुलाई और दिसंबर, डेट था 14 23, 14 23, 14 23। ये देखिए इसमें बोला है पी इवेंट डेट पे बैठा है, मतलब पी 14 पे बैठा है। अब देखिए पी को अगर ये वाले 14 पे रखेंगे, 3 छोड़ के के, 1 2 3 छोड़ के नहीं होगा, पी 1 2 छोड़ के नहीं होगा, तो पी आइधर बैठेगा फर्स्ट पे, पी यहाँ पे बैठेगा, 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए ये पॉसिबिलिटी हम लोग नहीं ले सकते हैं, हमको पी को यहाँ पे बैठाना होगा। अब देखिए ये पॉसिबिलिटी चलिए लेके मैं बता दे रहा हूँ आपके लिए। अगर पी को हम यहाँ पे लेते हैं तो 3 छोड़ के, 1 2 3 छोड़ के को हम यहाँ पे लेना होगा, के को यहाँ लिए तो के बाद बोला है एन बैठेगा, तो एन लेकिन एन लास्ट नहीं है, के यहाँ पे हुआ तो एन के बाद एन बैठेगा, तो एन को अगर हम यहाँ पे बैठाते हैं लेकिन बोला है एन लास्ट नहीं है, तो ये पॉसिबिलिटी तो ऐसे ही कट गया, तो आपको ये सॉल्व बनाने का ज़रूरत भी नहीं था। तो आपको डेफिनेटली पी यहाँ पे लेना है, 3 छोड़ के के, 1 2 3 छोड़ के हो गया। और फिर देखिए जे के इमीडिएट नीचे एल है, तो जे के इमीडिएट नीचे एल यहाँ भी हो सकता है, लेकिन जे के इमीडिएट नीचे एल यहाँ पे नहीं लेंगे क्योंकि बोला है दोनों डिफरेंट मंथ में है, तो जे को डेफिनेटली हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो ये देखिए जुलाई में है और एल सॉरी ये जून में अप्रैल में है और ये एल जुलाई में हो गया। अब बोला है के नीचे एन है लेकिन लास्ट नहीं है, तो एन यहाँ पे नहीं है, तो एन यहाँ पे हो जाएगा। अब 1 person बचा है एम, एम यहाँ पे हो जाएगा। इसी के साथ आपका पजल सॉल्व हो गया। इस पे आधारित 5 question जो आए थे वो देख लेते हैं। ये था हु अटेंड सेमिनार ऑन 14th of July, 14 जुलाई को सेमिनार अटेंड करता है एल, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखा हाउ मेनी पर्सन अटेंड सेमिनार बिफोर एन, एन से पहले टोटल 3 persons अटेंड करते हैं सेमिनार, तो इसका भी हो जाएगा सी इज करेक्ट आंसर। हाउ मेनी पर्सन अटेंड सेमिनार बिटवीन के एंड एन, के और एन के बीच में 2 persons अटेंड करता है सेमिनार, तो इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। लिखा है फाइंड द ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट है पी एम एल एन, मतलब ये देखिए ये जुलाई में 31 दिन होते हैं, दिसंबर में भी 31 दिन होते हैं, तो पी देखिए पी एम एन एल ये तो चारों 31 डेज का है, जे के में से जो भी ऑप्शन रहेगा वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए के है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा।
देखा, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, 2% अटेंड सेमिनार बिफोर एल, एल से पहले 2% है, ये सही है। जी अटेंड सेमिनार ऑन 23 अप्रैल, जी अटेंड सेमिनार ऑन 23 अप्रैल, ये भी सही है। ठीक है, ओनली 3% अटेंड सेमिनार बिटवीन के एंड पी, के एंड पी के बीच में ओनली 2% बोला था ना, लेकिन यहाँ पे 3% है के और पी के बीच में, ओनली 3 और 3% ही बोला, ओनली 3% अटेंड बिटवीन के एंड पी। एम अटेंड सेमिनार ऑन 14 दिसंबर, 14 दिसंबर को पी है के नहीं है, एम अटेंड सेमिनार 14 दिसंबर, एम नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा यही। आइए आंसर मिला देते हैं, सी सी ए ई डी, सी सी ए ई डी सही है। ये टेबल भी मैच करवा लेते हैं, के जे एल एन पी एम, के जे एल एन पी एम बिल्कुल सही है। दोस्तों ये रहा सेकेंड पजल, वीडियो को पॉज करके जल्दी से सॉल्व कीजिए यहाँ इसमें। लेकिन ये आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो नोट में दिया हुआ है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये अगर आपका ध्यान में नहीं रहा तो मुश्किल होगा आपको बनाने में। ठीक है, कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट नेम पर्सन नोट सीट एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब जैसे ए अगर है तो ए के बगल में बी और सी नहीं बैठेगा, और बी है तो बी के बगल में ए और सी नहीं बैठेगा, डी है डी के बगल में सी और ई नहीं बैठेगा। तो उम्मीद है वीडियो को पॉज करके आप लोग इस पजल को सॉल्व कर लिए होंगे, तो आइए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। 8% ए बी सी डी ई एफ जी एच सीटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग इन साइड द टेबल बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर, यहाँ पे नोट में दिया है कंजिक्यूटिव अल्फाबेट नियम पर्सन नोट सीट एडजेसेंट टू ईच अदर। ठीक है, पहले कंडीशन नोट कर ले रहे हैं, सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, सी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ठीक है, ई हु फेसेस बी लिखा, ई बी को फेस करता है, तो ई बी को फेस कर रहा है। ठीक है, जी नाइदर सीट्स एडजेसेंट टू बी नॉर ई, जी नाइदर, जी के बगल में बी ई नहीं है, मतलब जी के बगल में बी और ई नहीं है, इधर ई और बी, तो ये सब नहीं है इसके बगल में। ठीक है, एफ फेस, एफ एंड ए फेस इज ईच अदर, मतलब एफ के सामने ए बैठा है। ठीक है, यहीं से स्टार्ट कर दीजिए, बी के सामने ई बैठा है, बी को अगर यहाँ पे बैठाते हैं उसके सामने ई बैठा है, ई के सेकंड राइट में सी है, फर्स्ट सेकंड राइट में सी हो गया, सी हो गया, ये बोला है जी के बगल में बी ई नहीं है, तो देखिए बी के बगल में जी नहीं है, ई के बगल में जी नहीं है, तो जी के लिए एक जगह बचेगा, तो जी यहाँ पे हो जाएगा, एफ के सामने ए होगा, देखिए एफ के सामने ए होगा, अगर एफ को यहाँ लेते हैं तो ए यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी गलत जाएगा, क्योंकि बोला है ना कंजिक्यूटिव अल्फ़ाबेट साथ में नहीं बैठेंगे, तो देखिए एफ के बगल में जी होता है, एफ के बाद ही जस्ट जी होता है, तो एफ यहाँ पे नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ पे भी एफ नहीं बैठा सकते हैं क्योंकि एफ के जस्ट बगल में एफ जी, तो ये भी कंजिक्यूटिव हो जाएगा, तो मतलब एफ यहाँ नहीं बैठेगा। जब अब देखिए एफ यहाँ पे भी नहीं बैठेगा क्योंकि ई एफ ये भी कंजिक्यूटिव हो जाएगा, तो आपको एफ को यहीं पर रखना होगा, एफ यहाँ पर रखेंगे और एफ को फेस कर रहा है कौन, ए, तो ए यहाँ पर हो जाएगा। अब बच्चा देखिए यहाँ पे कौन कौन से पर्सन बच गए, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बचा है और एच बचा है। देखिए एच को यहाँ पे नहीं रख सकते हैं क्योंकि जी के बगल में, जी के एडजेसेंट है, तो एच यहाँ पे नहीं होगा, तो एच को हम लोग यहाँ पे रखेंगे और डी को यहाँ पे रखेंगे, डी को यहाँ पे रखेंगे। इसी के साथ आपका ये पजल सॉल्व हो गया। आइए इस पर आधारित 5 क्वेश्चन जो SBI क्लर्क प्री के एग्जाम में पूछे गए थे वो देख लेते हैं। पजल, ये सब पजल आपके लिए फ्री का नंबर देके जाएगा, तो इस टाइप का पजल एकदम ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या आया था वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन आया था हुस इज़ फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के फोर्थ लेफ्ट में, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ लेफ्ट में बी है, ई के फोर्थ लेफ्ट में बी है। हाउ मेनी पर्सन सीट्स बिटवीन जी एंड सी, जी और सी के बीच में दोनों साइड से, इधर से भी देख ले तब भी 3 है, उधर से भी देख ले तब भी 3 ही है, तो इसका आंसर है सी। हु आर द इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए का इमीडिएट नेबर, ए का इमीडिएट नेबर देखिए जी है और ई है, ए का इमीडिएट नेबर जी और ई, जी ई मतलब ये ई जी या जी ई, ऑप्शन डी। हु एमोंग द फॉलोइंग फेसेस बी, बी को कौन फेस कर रहा है, तो बी को फेस कर रहा है ई, बी को ई फेस कर रहा है, तो मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए, पोजीशन ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू ए,
ए से सी का पोजीशन देखिए, ए के फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द राइट में सी, ए के थर्ड टू द राइट में सी, तो मतलब ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। हो गया, इसका आंसर मैच करवा लेते हैं, ए सी डी डी सी। हु इज फोटो द लेफ्ट ऑफ ई, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है लग रहा है, एक सेकंड देख ले रहा हूँ। हु इज फोर टू द लेफ्ट ऑफ ई, ई के फोर्थ लेफ्ट, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड फोर्थ, ई के फोर्थ लेफ्ट में बी है, बी यहाँ पे ऑप्शन ये होना चाहिए, आंसर गलत है, ये वाला आंसर गलत है, यहाँ पे ए होगा, ए सी डी डी सी, ए सी डी डी सी सही है। और ये अरेंजमेंट भी मिला दें, अरेंजमेंट में है बी बी एफ सी एच ई, बी एफ सी एच ई, बी एफ सी एच ई ए जी डी, ए जी डी, बिल्कुल सही है। तो आज का दोनों पजल सॉल्व हो गया। दोस्तों आप लोग में से जिन्होंने भी पहला दो वीडियो नहीं देखा है वो जाके बिल्कुल देख लीजिए, क्योंकि देख मतलब वीडियो देखिए या ना देखिए वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट उसमें जो जो पजल है वो पजल को ज़रूर सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि ये पजल आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि ये वो पजल है जो SBI क्लर्क प्री के एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उस लिंक की मदद से पहला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।